नमस्कार मु श्रीकांत जेना पंचायत निर्वाचन रे समग्र ओडिशार ग्रामांचल बर्तमान चलचंचल पंचायत निर्वाचन स्वाभाविक भावे प्रति पांच वर्ष थर हबार निष्पत्ति संविधान 73rd अमेंडमेंट परे यह संभव होइछि किंतु आम राज्य रे एवं आउ केतोटी राज्य रे मध्य पंचायत इलेक्शन आईन रे जेहेतु राज्य सरकार मानंकु पंचायत अधिकार दिया जाइथिला राज्य विधानसभा गुड़ी को जे सेमाने पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पत्ति करिवे एवं ओडिशा राज्य रे पंचायत निर्वाचन को जो आईन टी प्रणयन होइथिला से आईन रे एक गुरुतर त्रुटि संपर्क रे मु बार बार कहि आसछे आमे समस्ते जानु भारत बर्षरे संसदीय गणतंत्र होची गणतंत्र मूल आधार अर्थात प्रतिनिधि बाछिबार दायित्व होची लोकंकर जोटा सीधा सड़क भोट हुए प्रतिनिधि बाछला परे विधानसभा गठित हबो एवं गठित हो सारा परे जहार संख्या अधिका हबो से माने तांकर मुख्यमंत्री बाछिबे एवं मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करिवे ठीक सही भाई लोकसभा मध्य लोकसभा निर्वाचन परे प्रतिनिधि जो मैंने एमपी है कि जीवे से माने प्रधानमंत्री बाछिबे पंचायत स्तर में मध्य सही व्यवस्था रहिबा कथा किंतु सरपंच जे चीफ एग्जीक्यूटिव हबो पंचायतर ताकू डायरेक्ट इलेक्शन करागला पंचायत समिति पई से व्यवस्था नहीं कि जिला परिषद पई से व्यवस्था नहीं किंतु सरपंच निर्वाचन को सीधा सड़क करागला जहाँ संसदीय गणतंत्र परंपरा को विरोध करुछि जदि सरपंच सीधा सड़क निर्वाचित होकर आसला परे तांको बाहर करिबा दायित्व पुणी दुई वर्ष परे आउ एक अमेंडमेंट करागला जे सेमान को दुई वर्ष परे अनास्था प्रस्ताव आसी पारिबो एवं सेमान को विदा करा जाई पारिबो प्रश्न होची जदि सरपंच सीधा सड़क लड़िले एवं जीतिले ताहले वार्ड सभ्य बा सभ्या माने तांको बाहर करि पारिबे कि परि ये उभय परस्पर विरोधी तेणुक मूलतः पंचायत निर्वाचन को वार्ड मेंबर बा पंचायत सभ्य सभ्या माने जीतला परे सेमान तांको भीतर जणे सरपंच को बाछि थांते एवं जहाँ फल जदि सरपंच कार्य संतुष्ट न होबे ताहले आउ जन को कहा को सरपंच करा जाई पारे से व्यवस्था को पूर्णच्छेद पकेले आम राज्य ए व्यवस्था महाराष्ट्र रे थिला किंतु महाराष्ट्र वर्तमान पुणी फेरी गला जे डायरेक्ट ना पंचायत सरपंच इलेक्शन होई पारिबो ना म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन को मध्य डायरेक्टली इलेक्शन करा जीवो नाही वार्ड सभ्य सभ्या माने से माने बाछिबे जे किए सरपंच हबे एवं किए म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन हेबे किंतु दुखर कथा आम राज्य रे बार बार मु एक कथा कहूँ जे डायरेक्टली सरपंच इलेक्शन करिबा द्वारा ग्रामांचल रे जो भाईचारा थला से भाईचारा नष्ट होइछि अतीतर होइछि एबे भी होउछि एवं से जो तिक्तता सरपंच को केन्द्र करी सीधा सड़क वोट रे से तिक्तता बहुत दिन धरिकी ग्रामांचल रे रहे जहाँफल जो विकास करिबा कथा बा जो दायित्व नबा कथा पंचायत एटी पंचायत परिवर्तन दायित्व बर्तमान सरपंच का हाथ में पड़ जाऊ जे सरपंच भूल कले जो सांगे वार्ड सभ्य सभ्य माने अछंती ताले से भूल को कोई चलिबे यदि भल भी कले यदि वार्ड सभ्य सभ्य माने चाहिले नहीं दु वर्ष पर बाहर कर दे पारे ए व्यवस्था आम मौलिक सांविधानिक व्यवस्था घोर परिपंथी मु संपर्क में जितेबाला आईन हैला बिजु बाबू मुख्यमंत्री थांती मु तांको दृष्टि की आनी मुझे ये भूल करूँ ना कारण ग्रामांचल ये पंचायत इलेक्शन एपरी तिक्तता आणुची जहाँ फल गाँ गाँ भितर साई साई भितर व्यक्ति व्यक्ति भितर परिवार भितर तिक्तता बढ़ुची एवं से संपर्क में मुझे बार बार कही पुनर्विचार कर विधानसभा जपरी महाराष्ट्र एवं ताको ऑर्डिनेंस करी बंद करेले एवं पूर्ण पूर्व अवस्था को गले वार्ड सभ्य सभ्य माने बाछिबे सरपंच एवं म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन को ठीक सही भली आम राज्य मध्य होबा उचित।
महात्मा गांधीकर स्वप्न थिला जे पंचायत को अधिक क्षमता दिया जाऊ एठी पंचायत मानको मध्य विशेष क्षमता दिया जाय नै हैन रे मु त आश्चर्य हुए जे यदि पंचायत को क्षमता न दिया जाय दिया गले भी से क्षमता केवल सरपंच को पकरे ठुलो हो जाउ जदि सरपंच डायरेक्टली जितिबे ताहले पंचायत समिति रो चेयरमैन काहे के इनडायरेक्टली जितिबे जिला परिषद रो चेयरमैन काहे के इनडायरेक्टली जितिबे ये केउ नय तेणु करी ए पंचायत से लगे बार बार कही आसी जे पंचायत आईन परिवर्तन होबा उचित सीधा सड़क सरपंच निर्वाचन करा जीवा उचित नुहे गोटे दलर तीन जन प्रार्थी हे कारण से सिंबल न था किए क्या निज दल भितर गड़ापड़ा हमें झगड़ाझाटी हुए केवल गोटे निर्दिष्ट दल कथा नुहे विभिन्न राजनीतिक दल एवं से वार्ड सभ्य माने जो माने जितकी आसती वार्ड वार्डर सभ्य सभ्य माने से अनेक समय अनकंटेस्टेड होती वार्ड सभ्य सभ्य माने एवं जहाँफल भाईचारा उपरे किसी आघात हुए नहीं भाईचारा नष्ट हुए नहीं ग्रामांचल मु पुणी थे राज्य सरकार को एवं विधानसभा सब मान्यवर सभ्य सभ्य मान को निवेदन करी ए संपर्क गंभीर भाव चिंता करेंगे कारण आ द्वारा ग्रामांचल रे बेसी माने पुलिस स्टेशन को इलेक्शन पूर्व इलेक्शन परे बेसी लोग दौड़ था केस बास रे पड़ती कारण झगड़ा झाटी हुए ताको बंद करा उचित एवं पंचायत रो क्षमता भल भाव दि जाऊ जदि कौन से पंचायत रो प्रस्ताव आसला जे से पंचायत रे मद दुकान खोल जा सरकार करने को बाध्य मद दुकान खोली पारे ना सरकार से आईन रदियों व्यवस्था अच्छी ग्राम सभा निष्पत्ति करिबो अनेक समय ग्राम सभा को ठीक भाव में परिचालित हुए जहार परिणाम हो ग्रामांचल वर्तमान मदर एत व्यापक प्रसार चली रोकवार दायित्व पंचायत को दि जाऊ जदि सरकारी स्तर में हो बेसरकारी भाव जो मैंने मद बिक्री कर दंड विधान दायित्व पंचायत को दि जाऊ एवं प्राथमिक शिक्षा ठू माध्यमिक शिक्षा पर्यंत पंचायत हाथ में क्षमता दि जाऊ जे शिक्षा व्यवस्था ठीक चलुच कि ना ठीक से ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर को समान को अधिकार भितर को दि जाऊ पंचायत को जहाँफल पंचायत पंचायत मु कौन सरपंच मु सब कहे पंचायत पंच को लेकिन पंचायत हुए एवं से विचार को समान को ऊपर छाड़ी दि जाऊ भुवनेश्वर रु कि जिला स्तर ए संपर्क में कौन सी निर्देशनामा न रहू ब्रॉड गाइडलाइन दिया जाओ से गाइडलाइन भितर पंचायत गुड़िक से भाव निष्ठापर सह कम केमी करें से मध्य आईन में व्यवस्था करा जाओ आर्थिक व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था पंचायत को लोकसंख्या को आखि आगे रखी अनेक पंचायत निजस्व किसी इनकम थाए कि अनेक पंचायत निजस्व इनकम न थाए लेकिन राज्य सरकार से दृष्टि को ताकू एक जो कमिशन करी पैसा बंटन जमी फाइनेंस कमिशन है से ठीक से ही से कथा को मध्य तुरंत कार्यकारी करा उचित एवं एक्टिवली ए संपर्क में राज्य सरकार विधानसभा सभ्य सभ्य माने ए संपर्क में विचार को देवे बोली आशा करूँ आशा करूँ थे म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन आसवा पूर्व ए आईन रो आउ थरे पुनर्विन्यास बा पुनर्विचार करा जाऊ जहाँफल आमे म्युनिसिपैलिटी अंत से कथा कर रिजर्वेशन संपर्क में बहु दाबी होता किंतु राज्य सरकार जदियों मध्य प्रदेश सरकार पंचायत रे रिजर्वेशन नहला पर्यंत ओबीसी रिजर्वेशन पंचायत इलेक्शन को बंद कर भावुली राज्य सरकार दुई तीन मास समय गड़े जदि से कथा करें ओबीसी वर्गर लोक मैंने पार्टिसिपेट करने अधिकार पाई था ठीक से ही म्युनिसिपैलिटी से व्यवस्था रखापी मु राज्य सरकार को अनुरोध करुच्छी धन्यवाद नमस्कार।